Assalamu alaikum, everyone. My name is Dr. Dilip Kumar and I am President CMT Center of Manual Therapy. Well, we have started this series again. के ज़्यादातर students ने मुझे कहा था कि आप किसी भी जो है वो presentation में, मैंने उनको कहा था कि अगर आपको difficulty हो तो आप वो presentation मुझसे share करें. मैं कोशिश करूँगा क्योंकि मैं presentation तो इतना time नहीं है कि बना पाऊँ, लेकिन मैं कोशिश करके उसके ऊपर lecture जो है वो हम दे देंगे. बहरहाल तो this is one of the topic of the cancerology is the relaxation. और तो हम इसको आज जो है वो डिस्कस करेंगे एज इट इज ऑलरेडी डिस्प्लेस विथ यू ऑन योर स्क्रीन. तो वेल, स्टार्टिंग विद द वर्ड रिलैक्सेशन. रिलैक्सेशन है क्या? एक तो वर्ड खुद ही बता रहा है, रिलैक्स मतलब सूथ, बिल्कुल रिलैक्स, जो आराम में चीज हो. व्हेन यू टॉक अबाउट इन रिलैक्सेशन इन कैंसरोलॉजी, जब भी आपके मसल्स कोई एक्टिविटी ना कर रहे हो और वो बिल्कुल रिलैक्स हो रहे थे, उनको रिलैक्सेशन कहा जाता है. हम भी जिस तरह रिलैक्स होकर जो लेट जाते हैं मिसाल के तौर पे, बट व्हेन यू टॉक अबाउट एज अ एक्सरसाइज, जब हम उसकी बात करेंगे तो हम रिलैक्स, हम उन मसल्स को कराते हैं रिलैक्स एज अ थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज, तभी वर्ड रिलैक्सेशन का वर्ड TION शन जिस वर्ड के लास्ट में आता है तो वो प्रोसेस को इंडिकेट करता है. बहरहाल तो आज हम वो देखेंगे कि वॉट इज द रिलैक्सेशन एंड वॉट इट इंडिकेट्स बेसिकली. तो उसी को हम डिस्कस करेंगे, रिलैक्सेशन व्हेन यू टॉक अबाउट इन केस ऑफ द कैंसरोलॉजी. Okay, these are the contents that we are going to discuss in these presentations. Each and every one we will discuss. Okay, introduction. What is the relaxation? Basically, the muscles which are relatively free from any tension. Normally, हमारे muscles में जब हम कोई भी काम ना भी कर रहे हो तो एक tone रहती है जिसको हम एक contraction रहती है जिसको हम muscle tone का नाम देते हैं. वो भी हम इसी presentation में discuss करेंगे. लेकिन muscles which are relatively free from the tension, जिसमें tension बिल्कुल ही कम हो, and they are at rest, they are said to be relaxed. Tension develop in muscle is the work during contraction. Tension tabhi develop hoti hai muscles mein jab aap usko stimulate karte ho, jab bhi aap koi movement perform karne ki koshish karte ho, chahe muscles relax ho, lengthen ho ya contract kare, but the tension will be developed. To tension developed hoti hai, theek hai. The tension developed in muscle is the work during the contraction, and the distance is reduced to a variable degree as the muscle comes to rest during the relaxation. अब ये जो distance है या कह लें कि जो tone है, वो आहिस्ता आहिस्ता definitely it will get reduced. जैसे ही आप relaxation की तरफ जा रहे हो, जाहिर सी बात है कि when you perform any activity, whatever at any joint, जब आप initiate करोगे contract muscle, initiate करोगे movement, muscles will get a more tension. But however, आहिस्ता आहिस्ता the tension will be decreased up to a limit definitely, and finally it will, the muscle will get relaxed and the tone will be too much reduced. ठीक है? Then we have a muscle tone. Muscle tone की दो तीन definition. एक तो evergreen definition जो हम book से पढ़ते आ रहे हैं, the partial state of the contraction. Partial मतलब semi, आधा या थोड़ी सी, जिस तरह paralegia, paraplegia, paresis मतलब थोड़ी बहुत. तो partial या semi, partial state of contraction, वो state मतलब थोड़ी सी मसल की जो कॉन्ट्रेक्शन की जो स्टेट है उसको टोन कहा जाता है. एक तो इसकी ये डेफिनेशन है नंबर वन. इसके मुताबिक जब भी आपके मसल रिलैक्स भी हों या कोई मूवमेंट नहीं कर रहे होते लेकिन नॉर्मल होने चाहिए, तो उस मसल्स में एक हल्की सी टोन, इंटरनली मसल्स में टेंशन डेवलप हो रही होती है, उस स्टेट को टोन कहा जाता है नंबर वन. नंबर इसकी एक और डेफिनेशन है जो कि डिफरेंट बुक्स में लिखी होती है, इट्स अ रेजिस्टेंस टू अ पैसिव स्ट्रेच. मतलब जब भी आप किसी के मसल्स को पैसिवली स्ट्रेच करोगे तो वो मसल जिसको आप स्ट्रेच दे रहे हो वो हल्का सा आपको रेजिस्ट करेगा, हल्की सी रुकावट प्रोड्यूस करेगा इंटरनली, वो मसल जिसकी आप स्ट्रेचिंग परफॉर्म कर रहे हो पैसिवली, इट मस्ट बी पैसिवली. तो दैट पॉइंट या दैट रेजिस्टेंस इज बेसिकली मसल टोन, और उसी के बिहाफ पे, उस मसल टोन की डेफिनेशन के बिहाफ पे, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स अ पैसिव स्ट्रेच, इट्स अ रेजिस्टेंट टू अ पैसिव स्ट्रेच, उसके बिहाफ पे ही रिजिडिटी और वेलोसिटी स्पास्टी का फर्क निकलता है. बहरहाल अंडर ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस द लिविंग मसल्स दे आर नियरली कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम द टेंशन, एंड देयर इज एनी टाइम द इक्वलिटी ऑफ द फर्मनेस नोन एज द मसल टोन. मतलब जब आप बिल्कुल रिलैक्स होते हो तो उसमें भी एक मसल्स की टेंशन, फ्री फ्रॉम टेंशन लिखा बट थोड़ी सी उसमें स्टेट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन जरूर होती है, इवन वेन दे आर रिलैक्स एज पॉसिबल. Muscle tone which represent is a state of preparedness in resting muscle is now thought to be maintained throughout the activity of the muscle spindle circle. पहले जो कि उसको माना जाता था कि during activity या activity से पहले, but throughout भी जो है muscle tone का बड़ा role होता है. जो भी आप movement perform करते हो तो throughout the जो muscle spindle, they are the receptor, two types of the receptor and the
मसल्स आर दी गोल्जी टेंडन जीटीओ एंड द मसल स्पिंडल। जब भी मसल के टेंशन में कोई चेंज आएगी तो जीटीओ विल बी एक्टिवेटेड, और जब भी मसल्स के लेंथ में चेंजिंग आएगी तो मसल स्पिंडल विल बी एक्टिवेटेड। ठीक है, एफरेंट फाइबर और इफरेंट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इट। एफरेंट और इफरेंट द सेंसरी एंड मोटर वी कैन से इन शॉर्ट। इफरेंट फाइबर आर दिस स्मॉल फाइबर नर्वस रिफ्लेक्स पाथवे, दे ट्रांसमिट द इम्पल्सिस विच प्रोड्यूस द सस्टेन्ड कॉन्ट्रेक्शन ऑफ स्मॉल इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स ऑफ अ मसल स्पिंडल, while the large extrafusal muscle fiber they are concerned in the production of voluntary muscles they remain relaxed। main in puri kahani ki agar main aapko sum up kar du to jo muscle spindles mein fibers hote hain intrafusal and extrafusal, intrafusal and extrafusal jo hain jab bhi aap voluntary movement ya koi badi movement perform karte ho, badi movement se murad ki bahut sare समेशन जिसको हम कहते हैं, बहुत सारे स्टिमुलाई आके मसल्स को जो प्रोड्यूस करते हैं, वहां पे एक्स्ट्रा फ्यूजल जो मसल फाइबर्स हैं दे आर एक्टिवेटेड। व्हेन यू टॉक अबाउट अ स्मॉल मूवमेंट या सस्टेन कॉन्ट्रेक्शन ऑफ अ स्मॉल, कोई भी मूवमेंट जो सस्टेन पीरियड के लिए या थोड़े से उसमें इंपल्सिस लगते हैं, जो छोटी सी मूवमेंट्स होती हैं, फ्लिकरी मूवमेंट्स, वहां पे इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, और डेफिनेटली एक अगर होगा तो दूसरे जो है वो रिलैक्स हो जाएंगे। After the muscle tone, we have a postural tone. The word indicate the postural tone, yeah, simply a posture tone. The contraction which persists in the muscle that are concerned with the maintenance of the posture, simple is that. There are the two types of the muscle in your body. I'm aage ek slide mein aapko dikhaunga. The body, the muscles which control or maintain your posture, they are called postural muscle. And rest of the other muscles are called the phasic muscle. Unko bhi hum discuss karenge. So postural muscle. जब भी उन मसल्स की वो स्टेट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन जो आपका पोस्चर बना, उन मसल्स की बात हो रही जो आपके पोस्चर बनाते हैं, उनकी जो कॉन्ट्रेक्शन होगी, स्टेट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन होगी, उनको सिंपली हम पोस्चरल टोन कहेंगे। ठीक है, पोस्चरल टोन जो है दैट इज मेंटेन्ड एंड रेगुलेटेड बाय द रिफ्लेक्स मैकेनिज्म। रिफ्लेक्स जो रिफ्लेक्स आर्क होता है, रिफ्लेक्स एक्शन होता है, दैट इज द फंडामेंटल बेसिस विच इज द मायोटेटिक फॉर स्ट्रेच रिफ्लेक्स। स्ट्रेच रिफ्लेक्स इज वन ऑफ द मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स जस्ट लाइक द नी जर्क। उस से ये मेंटेन होता है या उससे जो है ये रेगुलेट होता है, जिसमें हम किसी मसल को स्ट्रेस देते हैं। नी जर्क में हम क्या करते हैं, अल्टीमेटली नी जर्क में हम उसको, नी जर्क पे हम न्यूरो हैमर से हिट करते हैं और मसल जो नी है वो आपका एक्सटेंशन में जाता है, जिसको हम मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स कहते हैं, क्योंकि उसमें एक साइनेप्स। स्ट्रेस रिफ्लेक्स में क्या होता है कि जब भी हम किसी मसल को स्ट्रेस देंगे तो वहां पे कुछ रिफ्लेक्सेस आते हैं, जिनको हम सिंपली स्ट्रेस रिफ्लेक्स कह सकते हैं, या जब भी मसल को आप एक्टिवेट करो वो स्ट्रेच हो, दैट इज आल्सो कॉल्ड द स्ट्रेच रिफ्लेक्स। ठीक है, और वी नो दैट द रिफ्लेक्सेस दे आर कंट्रोल्ड बाय द सीएनएस अल्टीमेटली स्पेशली बाय द, अगर वो छोटे पैमाने पे होते हैं तो आपका स्पाइनल कॉर्ड जो है वो स्पाइनल कॉर्ड उसको हैंडल करता है, वो ब्रेन तक भी नहीं जाने देता। एनी स्ट्रेचिंग आफ्टर द मसल बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, मतलब जब आपने हिट किया दैट इज द एक्सटर्नल फोर्स बेसिकली। एनी स्ट्रेचिंग आफ्टर मसल बाय एन एक्सटर्नल फोर्स सर्चेस फोर्स ऑफ द ग्रेविटी स्टिमुलेट द सेंसरी रिसेप्टर। जब भी किसी मसल को आप हिट करोगे, उसको एक्सटर्नल फोर्स दोगे और अगर वो स्ट्रेच होता है, मिसाल के तौर पे इट गेट्स स्ट्रेच लेट सपोज, तो वो क्या करेगा, कुछ जो रिसेप्टर्स हैं उनको स्टिमुलेट करेगा। इट द स्टिमुलेट द सेंसरी रिसेप्टर, और वो कहाँ पे मौजूद होते हैं, उसी मसल्स में। मैंने आपको बताया ना, देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द रिसेप्टर जस्ट लाइक द स्पिंडल्स एंड द जीटीओ, उनको स्टिमुलेट करेगा। सो दे गिव राइज टू अ डिस्चार्ज ऑफ द मोटर इम्पल्सिस टू द सेम मसल। मतलब जब भी आप किसी मसल को स्ट्रेस दे, मतलब किसी मसल को हिट करते हो, उसको स्टिमुलस देते हो, और वो अगर स्ट्रेच हो, मिसाल के तौर पे जैसे ही अगर वो स्ट्रेच होगा तो मसल की लेंथ में चेंज आ जाएगी। जब मसल के लेंथ में चेंज आएगी, अल्टीमेटली वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपके मसल स्पिंडल एक्टिवेट होंगे, क्योंकि जीटीओ तब एक्टिव होते हैं जब मसल के टेंशन में चेंज आती है, यहाँ पे मसल के लेंथ में चेंज आ रही है। तो जीटीओ जैसे ही एक्टिवेट हो जाएंगे, तो उसके बाद जैसे ही ये रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो गए जो कि उसी मसल में ये लोकेटेड हैं, उसके बाद ये क्या करेंगे, कुछ मोटर इम्पल्सिस को डिस्चार्ज करेंगे उसी मसल में। फिर डिपेंड करता है वॉट एवर द मूवमेंट इज गोइंग टू बी परफॉर्म, फिर उसके हिसाब से वो एक्टिवेट होंगे। मैंने आपको पिछली मैं जो है वो ऑटोजेनिक इनहिबिशन का कॉन्सेप्ट दिया था, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो यहां से निकलता है। ठीक है, ऑटोजेनिक इनहिबिशन में क्या होता है, उसी मसल में जिसकी आप बार बार टेंशन डेवलप करवा रहे हो, उसी मसल से रिसेप्टर्स कुछ निकलेंगे और वहीं पे ही टेंशन जो जहां पे मूवमेंट हो रही थी, वहीं पे जाके मसल्स की इनहिबिशन हो जाएगी, उसी मसल की इनहिबिशन हो जाएगी, तभी इसको ऑटोजेनिक इनहिबिशन कहा जाता है, बिकॉज इट इज ऑल ऑटोमेटिक। ओके,
Then the degree and location of the postal tone that varies with any alteration in posture. It all depends, just like with your COG, जो आपका center of gravity है, वो भी आपके posture की location और size पे जो है matter करता है. It is greater in the upright position. जब आप upright position, standing position में खड़े होते हो तो ये greater होता है, मतलब raised होता है basically. It's a greater in upright position in which the forces of the gravity tends to stretch the muscle more strongly. जितनी ज़्यादा postural muscles की stretching होगी, जितने ज़्यादा उसमें tension stronger होगी, position higher होगी, तो ultimately जो ये आपका postural tone है वो भी हायर होगी. सेम देन इट इज इन रिकॉम्बिनेंट पोजीशन इन विच द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑफ द ग्रेविटी अपॉन देम इज एडिक्वेटली काउंटर बैलेंस बाय द फुल सपोर्ट ऑफ द बॉडी. और फाइनली इसको अगर हम सपोर्ट की बात करें तो ये लोअर डाउन भी इस सेंस में होता है कि कुछ पोजीशन आपकी ऐसी हैं जो कि कंट्रोल्ड होती हैं, काउंटर बैलेंस्ड होती है बाय द फुल सपोर्ट ऑफ द बॉडी. लेट सपोज सिर्फ पोस्टल टोन ही नहीं, जब हम खड़े होते हैं, हम पूरा दिन अगर खड़े होते हैं, हमारी बॉडी के जितने भी एंटी ग्रेविटी के जो मसल्स हैं वो वर्क कर रहे होते हैं, उनकी एक मुसलसल उसमें टोन डेवलप हो रही होती है जिसको हम पोस्टल टोन का नाम देते हैं, और वो फुली सपोर्ट भी करती है. और काउंटर बैलेंस कहाँ से होती है, जो आपका फोर्स ऑफ ग्रेविटी आपको मुसलसल पुल कर रहा है उसको कौन काउंटर बैलेंस कर रहा है, आपका बॉडी वेट, आपका जो फुल बॉडी सपोर्ट है आपका वो उसको काउंटर बैलेंस कर रहा है. मिसाल के तौर पर आप खड़े होके होते हैं तो गिर तो नहीं जाते ना, डेफिनेटली you have a resistance against the gravity and gravity is continuously pulling to you downward. Everything, gravity is pulling to everything downward, but your body has some sort of the tone that resists the gravity, or jisko hum postural tone, agar wo wahan pe posture maintain kar rahi hai to posture tone kahenge. Theek hai, this is the classic example, the what I told, the postural and phasic muscle, wo muscle jo aapke posture ko maintain karte hain. कुछ एग्जांपल्स भी गिवन हैं और उसके अलावा जितने भी होंगे उनको हम फेजिक मसल का नाम देंगे. पोस्टल को स्टैटिक कहा जाता है, फेजिक जब डायनामिक की बात करोगे. प्रोन टू हाइपर एक्टिविटी, दे आर वेरी प्रोन टू हाइपर एक्टिविटी. जब भी स्टिमुलेट होंगे मिसाल के तौर पे, दे आर वो हाइपर एक्टिव हो जाएंगे. दे फटीक लेट, मतलब देर से जो है ये फटीक होते हैं. एंड फटीक लोडिंग शॉर्टनिंग, दे आर प्रोन टू इनहिबिशन. व्हेन यू टॉक अबाउट द फेजिक मसल, जब भी वो स्टिमुलेट होंगे दे आर वेरी प्रोन इजी टू इनहिबिट. दे फटीक अर्ली, जल्दी थक जाते हैं तभी तो इनहिबिट हो जाते हैं. एंड द फॉल्टी लोडिंग वीकनिंग, ठीक हो गया. और सम मसल्स आर ऑल्सो मैंशन लाइक द लंबर इरेक्टनी, जितने भी आपकी इरेक्टर स्पिनी है, आपके सर्वाइकल के मसल्स हैं, मेन मेन जो बड़े मसल्स हैं आपके, लाइक द हैमस्ट्रिंग, जितने भी आपके बॉडी सपोर्ट करते हैं मिसाल के तौर पर वेट, एंटी ग्रेविटी मसल्स हैं, दे आर द पोस्टल. फेजिक की बात करें तो आपके पास वास्टस लेटरलिस, थोरेसिक इरेक्टर स्पिनी है, इरेक्टस एब्डोमिनस है, वास्टस लेटरलिस है, वास्टस मीडियस है, या ग्लूटियस मसल्स है. रेलेवेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जिनकी डेफिनेशन है, लाइक द टोन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, इट्स अ रेजिस्टेंस ऑफ अ मसल टू स्ट्रेच. जब भी आप किसी मसल को स्ट्रेच करोगे, डेफिनेटली स्ट्रेच करोगे तो पैसिवली होगा, तो वहां पे एक टोन आपको फील होगी, वो एक टोन डेवलप होगी जिसको आप टोन का नाम दोगे, एक रुकावट सी फील होगी, सॉरी, दैट रेजिस्टेंस इज बेसिकली अ टोन. क्लिनिशियन टेस्ट टू काइंड ऑफ द टोन, द फेजिक एंड पोस्टल वी बोथ हैव डिस्कस्ड. पोस्टल तो हम डिस्कस कर चुके हैं. फेजिक इज अ रैपिड कॉन्ट्रेक्शन इन रेस्पॉन्स टू अ हाई इंटेंसिटी स्ट्रेच. जब भी किसी मसल को आप रैपिडली हाई इंटेंसिटी, हाई वेलोसिटी वाला, हाई इंटेंसिटी वाला स्ट्रेच दोगे तो एक रैपिड कॉन्ट्रेक्शन आएगी उसके रेस्पॉन्स में. किसके, जो आपने हाई इंटेंसिटी का स्ट्रेच दिया उसके रेस्पॉन्स में एक रैपिड कॉन्ट्रेक्शन आएगी, तो उसको आप कहोगे सिंपली फेजिक स्ट्रेच, फेजिक टोन. एज इन टेंडन रिफ्लेक्स रेस्पॉन्स, जो आपका टेंडन रिफ्लेक्स रेस्पॉन्स होता है उसमें जैसे ही आप हाई इंटेंसिटी वाला स्ट्रेस दोगे तो वो फौरी तौर पे उसके रेस्पॉन्स में रैपिडली कॉन्ट्रैक्ट करेगा. दैट रेस्पॉन्स, दैट रिप्लाई इज बेसिकली द फेजिक. व्हेन यू टॉक अबाउट द पोस्टरल टोन, इज द प्रोलॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन ऑफ एंटी ग्रेविटी मसल इन रेस्पॉन्स टू अ लो इंटेंसिटी. जब भी किसी मसल्स में या उससे आप काम लेते हो तो लो इंटेंसिटी के स्ट्रेचेज उसमें देते रहते हो मिसाल के तौर पर, और फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कुछ टाइम के बाद जाके एक रेस्पॉन्स बॉडी देती है. पोस्टरल मसल्स का जो रेस्पॉन्ड आता है, दैट रेस्पॉन्ड इज सिंपली अ पोस्टरल टोन. बिकॉज आप लो इंटेंसिटी के एक्सरसाइज दे रहे हो तो डेफिनेटली इट गेट्स टाइम. व्हेन द पोस्टरल टोन इज डिप्रेस, जब भी पोस्टरल टोन कम हो जाएगी, द ट्रंक एंड लिम कैन नॉट मेंटेन देमसेल्व्स अगेंस्ट द ग्रेविटी. मैंने आपको बताया था कि अगेंस्ट ग्रेविटी मेंटेन करने के लिए आपकी जो पोस्टरल टोन है उसका रेज होना बहुत ही स्ट्रॉन्गर होना बहुत ही लाजम है. तो जब ये डिप्रेस हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो योर बॉडी, द ट्रंक मसल्स ऑफ योर ट्रंक एंड लिम, दे आर अनएबल टू सपोर्ट योर बॉडी बेसिकली. एंड इन्फेंट्स अपियर्स फ्लॉपी. फ्लॉपी बोलते हैं हाइपोटोनिसिटी को, जब मसल की टोन बहुत ही कम रिड्यूस हो जाती है. एक सेरेब्रल पाल्सी के एक वन ऑफ टाइप इज आल्सो, जिसमें बॉडी बिल्कुल लचकदार हो जाती है. उस बेबी को अगर आप
बीच में से पकड़ेंगे तो बिल्कुल जेली की तरह जो है फ्लॉप कर जाएगा बैट, तभी उसको फ्लॉपी कहा जाता है। हाइपोटोनिस्टी को इंडिकेट करता है फ्लेक्सिटी को, टोन का डिक्रीज हो जाना। वॉलंटरी मूवमेंट्स वी हैव डिस्कस्ड इट मेनी टाइम, स्पेसिफिक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एज दे वर्क टू इनिशिएट, जो आप अपने आपके कंट्रोल में होते हैं, आपके मसल्स की कॉन्ट्रेक्शन की वजह से होते हैं, दे आर द वॉलंटरी, बट एट द कंप्लीशन आफ्टर मूवमेंट इन क्वेश्चन रिलैक्स एंड कम टू द रेस्ट। डेफिनेटली एक वक्त जब आप कंप्लीट करोगे तो उसके बाद रिलैक्स होंगे एंड इट कम्स बैक टू द रेस्ट। कॉन्ट्रेक्शन इन एनी ऑफ द मसल ग्रुप दैट इज अकम्पनाइड बाई द रेसिप्रोकल इनहिबिशन, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड रेसिप्रोकल इनहिबिशन ऑल्सो, जो कि एक मसल एगोनिस्ट मसल आपके कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एंटागोनिस्टिक ऑटोमेटिकली ब्रेन उसको इनहिबिट कर देगा। द इनहिबिशन ऑफ द अपोजिट मसल वेन एवर द एगोनिस्ट आर गेटिंग कॉन्ट्रेक्शन, दिस इज कॉल्ड रेसिप्रोकल इनहिबिशन। मेंटल एटीट्यूड दैट ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल वेन यू मेंटेन अ पोस्चर, वेन यू कैरी आउट, वेन यू वॉन्ट टू मेंटेन योर बैलेंस। मेंटल एट्रीब्यूट्स एटीट्यूड्स जस्ट लाइक सच फॉर फियर एंगर, लाइक द किसी चीज़ का डर या गुस्सा या एक्साइटमेंट, ये आपको अल्टीमेटली आपको मस्कुलर टेंशन में इंक्रीज करेंगे, तो आप मेंटली रिलैक्स नहीं हो पाओगे ना ही फिजिकली। अगर आपका मेंटल, आपका जो ब्रेन है वो रिलैक्स नहीं है, किसी चीज़ का डर है, किसी चीज़ का खौफ है या कोई एक्साइटमेंट है, तो अल्टीमेटली आपके बॉडी में जो मसल्स होंगे उसमें टेंशन डेवलप होती जाएगी और इन योर मसल्स विल नेवर गेट रिलैक्स। तो अल्टीमेटली आपको मेंटली भी रिलैक्स होना लाजम है, तो आपका मेंटल एटीट्यूड भी होना। तो नॉर्मली दिस टेंशन डेवलप टू सर्व एज अ यूजफुल फॉर एस टू रिलैक्स व्हेन द नीड फॉर इट नो लॉन्गर, बट इन सम केसेस इट परसिस्ट एंड बिकम हैबिचुअल। ये आपके हाथ में भी चीजें नहीं होती, लेकिन अगर आपने मसल्स को रिलैक्स करना है तो आपने मेंटल एटीट्यूड के ऊपर जरूर काम करना है। ब्रेन उसके जो पेशेंट होगा उसकी काउंसलिंग करनी है ताकि अल्टीमेटली वो रिलैक्स अपने मसल्स को रिलैक्स कर सके और हमारा टारगेट अचीव हो सके। Recognition a state of tension followed by a voluntary relaxation of the muscle in which it is present that provide a means of the helping the patient to economize in nervous surgery, nervous energy. तो कोई भी चीज़ है, let's suppose अगर वो mentally relaxed नहीं है तो आपने उनको mentally relax करना है ताकि आपका ही काम हो। क्यों? आप अगर उसके ऊपर कोई पैसिव मूवमेंट्स परफॉर्म करना चाह रहे हो, कोई थेरेप्यूटिक टेक्निक परफॉर्म करना चाह रहे हो और अगर उसको डर है मिसाल के तौर पे, तो अल्टीमेटली वो रिलैक्स नहीं होगा। मेंटली रिलैक्स नहीं होगा तो उसकी टेंशन कम नहीं होगी, तो आप जो परफॉर्म करना चाह रहे हो वो नहीं कर पाओगे। ठीक है। इज फियर इन वन फॉर्म और अनदर इज द मोस्ट यूजुअल कॉज ऑफ द परसिस्टेंट टेंशन इन द फिजियोथेरेपिस्ट मस्ट डू हर बेस्ट टू रीअश्योर द पेशेंट एंड टू गेन हिज कॉन्फिडेंस। अल्टीमेटली हिज आर हर, मतलब थेरेपिस्ट ने या कोई भी काउंसलर होगा, उसकी काउंसलिंग करके उसका ट्रस्ट डेवलप होना है कि कुछ नहीं होगा, यू हैव टू कोऑपरेट विद अस इन ऑर्डर टू परफॉर्म अ प्रॉपर टेक्निक इन ऑर्डर टू गेट डिजायर आउटकम। कोई एटमॉस्फेयर इस तरह का हो गया, लेट सपोज ज्यादातर पेशेंट को जो है वो एमआरआई में जाने से डर होता है, एमआरआई की जो मशीन होती है उसमें जाने से डर होता है, तो डेफिनेटली यू कांट गेट अ बेटर रिजल्ट। उसका ब्रेन काम करता रहेगा तो मेंटली अगर वो अनस्टेबल होगा तो आप टेक्निक ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। डिग्री ऑफ रिलैक्सेशन, मतलब जिस तरह हम कैटेगराइज करते हैं कि कितना डिग्री रिलैक्स है मिसाल के तौर पे, तो वो अल्टीमेटली हम चेक करेंगे कि कितना डिग्री टोन रिड्यूस्ड है। तो जितने डिग्री टोन रिड्यूस्ड होगी, मिसाल के तौर पे हम हाथ लगा के कहते हैं इसके ये मसल, ये स्पाजम है इसका, तो स्पाजम है मतलब उसकी टोन बढ़ी हुई है, तो टोन अगर बढ़ी हुई है मतलब डिग्री ऑफ रिलैक्सेशन इज वेरी लो, तो द इंक्रीमेंट इन टोन इज अल्टीमेटली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिलैक्सेशन। अगर किसी मसल की टोन ज्यादा बढ़ी हुई है तो रिलैक्स कभी नहीं हो सकता, तो टोन को डिक्रीज करना लाजम है। द डिग्री टू विच मस्कुलर टेंशन कैन बी रिड्यूस्ड इज वेरिएबल एंड इट इज बेटर टू रिगार्ड दैट सम रिलैक्सेशन मेरली एज एन इंडिकेशन दैट सम रिडक्शन इन टेंशन हैज टेकन प्लेस। डेफिनेटली आपने टेंशन को रिड्यूस करना इन ऑर्डर टू अचीव रिलैक्सेशन। सो इट इज ऑफन पॉसिबल टू एस्टिमेट द डिग्री ऑफ रिलैक्सेशन दैट इज अचीव्ड बाय द जेंटल पैसिव मूवमेंट आर पेल्पेटिंग द मसल एज फॉर एज इंस्टेंट ड्यूरिंग द during the massage and the fact that a patient falls to sleep during treatment is ample proof that the method of obtaining general relaxation has been successful. और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। Sometimes patient अगर tension उसकी जैसे हम reduce करते हैं different like उसको अगर massage करके soft tissue massage करके या heating करके तो वो sometime मतलब sleep मतलब थोड़ा सा वो relax भी हो जाता है, उसके muscles भी relax हो जाते हैं, तो ये भी एक उसकी पहचान है। जब आप उसके टोन को रिड्यूस कर दोगे तो उसके मसल रिलैक्स हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली उसको सकून मिलेगा, ही आर शी विल गेट सम सॉर्ट ऑफ द रिलैक्सेशन दैट इज द अल्टीमेटली। सो इन ऑर्डर टू अचीव या इन ऑर्डर टू मेजर द डिग्री ऑफ रिलैक्सेशन यू मस्ट नो हाउ टू मेजर द डिग्री ऑफ टेंशन एट अ मसल। सो द टेंशन ऑफ मसल टेंशन एट अ मसल इज रिड्यूस्ड, अल्टीमेटली द मसल इज रिलैक्स्ड।
पैथोलॉजिकल टेंशन मतलब जो नॉर्मल टेंशन के अलावा अगर कोई टेंशन है दैट सिंपली अ पैथोलॉजिकल, जिस तरह एंड फील होती है फिर पैथोलॉजिकल एंड फील होती है। मिसाल के द बेस्ट एग्जांपल यू हैव अ अपर मोटर न्यूरॉन एंड लोअर मोटर न्यूरॉन। इन अपर मोटर न्यूरॉन द टेंशन टोन मसल टोन इज इंक्रीज्ड हाइपरटोनिसिटी, इन लोअर मोटर न्यूरॉन द टोन इज डिक्रीज्ड फ्लेक्सिटी। तो कोई भी टोन में अगर चेंज आएगी, कोई भी एबनॉर्मल चेंज आएगा तो वो पैथोलॉजिकल टेंशन कहलाएगी। सो द मार्क्ड परसिस्टेंट इंक्रीज इन मस्कुलर टेंशन आर अ टोन is a feature to many pathological condition which affect ultimately affect the nervous system like the lesion of higher motor neuron, higher motor centers and those which interfere the normal function of the novel pathways or nerval pathways which connect them with the spinal reflexes. Ultimately just like hyper मैंने अपर मोटर न्यूरॉन लियन का एग्जांपल दिया तो उसमें टोन जो है वो बढ़ जाती है, अगर टोन बढ़ जाएगी मसल स्पाज़म में चले जाएंगे तो रेंज रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी और आप ठीक से टेक्निक परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अगर लोअर मोटर न्यूरॉन लियन है तो उसमें रिफ्लेक्सेस टोन वगैरह डिक्रीज हो जाती है, तो टोन डिक्रीज हो जाएगी मसल बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे, तो उसमें थोड़ी बहुत टेंशन डेवलप करना लाजम है, ठीक है, ताकि कम से कम मसल नॉर्मल से नीचे ना जाए। सो थैंक यू सो मच, दिस वॉज ऑल अबाउट the muscle tone, the postural tone. It's a simply an introduction to relaxation, and relaxation is one of the topic of the Kinesiology 2 in second semester DPT student. Thank you so much. Keep watching my channel. अगर आपका कोई भी question है तो आप kindly comment भी कर सकते हो, या तो जो मेरा Center of Manual Therapy का Facebook page है वहाँ पे भी आप अपना feedback और remarks दे सकते हो. And if you feel any sort of the difficulty in any presentation, just provide me data and I will get time. I will try my best to cover the topic and will try to make a video on it and will upload it via my CMT channel. Thank you so much. Keep watching. Stay home. Stay blessed.